जश्न-ए-गौस-ए-आज़म मसलक-ए-आला हज़रत फैज़ान-ए-आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत। हम लोग दुरूद शरीफ को पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि दुरूद शरीफ से क्या होता है। फरमाए कराम बयान करते हैं दुरूद शरीफ से फरिश्ते पैदा होते हैं। शायर कहता है, पढ़ो दुरूद तो कैसे आएगा शैतान, पढ़ो दुरूद तो कैसे आएगा शैतान, नबी का जिक्र करो भाग जाएगा शैतान। हाँ बेशक सच है। पढ़ो दुरूद तो कैसे आएगा शैतान, नबी का जिक्र करो भाग जाएगा शैतान। अगर तुम ले लिए कभी नाम मदीना शरीफ का, अगर तुम ले लिए कभी नाम बरेली शरीफ का, तो पहले घूरेगा फिर काट खाएगा शैतान, तो पहले घूरेगा फिर काट खाएगा। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी मौजू की तरफ चलू, मैं आप लोगों को फिर सलाम करता हूँ, आप लोग उसका जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आला आलिही व सहाबीही अजमईन अम्मा बाद। قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। इस वक्त जो दौर चल रहा है, ये बहुत ही खराब दौर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसा भी दौर आएगा कि लोगों का ईमान रात में तो रहेगा लेकिन दिन में नहीं, और दिन में ईमान रहेगा लेकिन रात में नहीं। और ये दौर जो चल रहा है मुसलमानों, इससे आप लोग बचें। मैं गोरखपुर के अंदर तीन शख्सियत को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैंने जब सोचा इस मस्जिद के इमाम कारी जाकिर साहब, जब मैंने तसव्वुर किया कि कारी साहब के मोहल्ले में लोग दो नंबर ही क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है, क्या कि नहीं इसमें, तो मैंने तसव्वुर किया कि कारी जहांगीर साहब की जैसी शख्सियत हर जगह होनी चाहिए। आपने लोगों के ईमान को बचाया है, और मैं तसव्वुर में जब किया तो लगभग 10 ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम गिना सकता हूँ कि कभी बेईमान हो जाते हैं, लेकिन कारी जहांगीर साहब का आप लोग उनकी तकलीफों को सुनते हैं और उनको मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं इसमें ना जाते हुए अपने मकसद की तरफ चलूं। नमाज हर मर्द औरत आकिल बालिग के ऊपर फर्ज है। सहाबाए कराम रहमतुल्लाह अलैहिम बयान करते हैं, आपने फरमाया कि लोगों ने पूछा, अरे साहबी रसूल ये बताइए, लोग ईमान लाते थे तो आप सबसे पहले उन्हें किस चीज की दावत देते थे, तो आपने फरमाया मैं सबसे पहले उन्हें नमाज की दावत देता हूं। सुभान अल्लाह। और अरकान इस्लाम 5 है, मैं गवाही देता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बेशक नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमजान शरीफ के रोजे रखना। बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अरकान इस्लाम क्या है। हालांकि ईमान जो शख्स लाए, जो मुसलमान है, सबसे पहले उसको जानकारी होना चाहिए कि अरकान इस्लाम क्या है। तो आप लोग नमाज कायम करें, किसी सरजमीन पर ख्वाजा खारिगान
हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, आप शंजर से चल के आए इस्लाम को फैलाने। इसी सरजमीन पर उन्हीं के मुरीद व खलीफा हुजूर बाबा मुख्तियार काजी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ लाए। उन्हीं के खलीफा और मुरीद हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला ने इसी जमीन पर, इसी हिंदुस्तान की जमीन पर तशरीफ लाए और आप यहीं के हैं। और उनके मुरीद और खलीफा हुजूर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह तआला ने तशरीफ लाए और आपने दीन की खिदमत की। और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला ने के मुरीद और खलीफा हुजूर सूफी निजामुद्दीन औलिया रजी अल्लाह तआला ने तशरीफ लाए।